मुरादा भासते हैं। मुस्लिम सामाजिक संस्था दावते इस्लामी इंडिया द्वारा 1,20,00,000 पेड़ लगाने का संकल्प। कुंदरकी में पशु चिकित्सालय में पौधारोपण करते दावते इस्लामी इंडिया के कार्यकर्ता दुनिया भर में तेजी से बदलते और बिगड़ते माहौल को देखते हुए गैर राजनीति मुस्लिम संगठन दावते इस्लामी इंडिया ने 1,20,00,000 पेड़ लगाने का फैसला किया है। दावते इस्लामी इंडिया का यह वृक्षारोपण कार्यक्रम 15 अगस्त से शुरू हो चुका है। देश भर में फैले संगठन के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और अपने संकल्प को पूरा करेंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दावते इस्लामी इंडिया ने एक सामाजिक या वृक्षारोपण की गतिविधि की है, यह पहली बार नहीं है। इसके अलावा दावते इस्लामी इंडिया एक सूफीवाद आधारित मुस्लिम संगठन है जो लंबे समय से धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। दावते इस्लामी इंडिया का यह पौधारोपण के दौरान संगठन के अधिकारी दावते इस्लामी इंडिया इससे पहले भी सामाजिक प्रगति से जुड़ी ढेर सारी गतिविधियां कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि वे पैगंबर हजरत मोहम्मद के रास्ते पर चल रहे हैं और मानवीय और भलाई के काम कर रहे हैं। संगठन हर अच्छे काम करेगा जो मानवता, समाज और देश के लिए अच्छा होगा। माशाल्लाह आज कुंदरकी में ये राजकीय पशु चिकित्सालय है। माशाल्लाह यहाँ पर जना पौधे लगाए गए हैं और माशाल्लाह यहाँ के जो बड़े के इस्लामी भाई हैं तो बड़ी मोहब्बत से माशाल्लाह यहाँ के और भी जो है कुछ शख्सियात हैं उन्होंने मिलकर जो है पौधे लगाए हैं। तो हमारा जो मकसद है यही है कि पौधा लगाना है और इसको पेड़ दरख्त जो है वो बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की तरफ से हदफ मिला है कि 1,26,000 जो है हमें या 40,000 हमें पौधे जो है लगाने हैं। तो माशाल्लाह ये हमारे इस्लामुद्दीन साहब किबला है, ये स्पेशल पर्सन हैं जो गूंगे बेरे स्लाइन होते हैं उनमें जो वर्क करते हैं, तो उनकी तरफ से ये पौधा जो है लगाया जा रहा है। मुरादाबाद से रहनम सारी रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।